वर्ग दसम के छात्र हूँ। अपने इस विजुअल में हम चर्चा करेंगे बाल गोविंद भगत के द्वारा गाए जाने वाले कबीर के गीत, जिसका जिक्र आपके हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में शामिल बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में है, जिसके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत कबीर के दो गीतों को अक्सर गुनगुनाते थे, जिनका जिक्र इस पाठ में किया गया है, जिनकी चर्चा इस पाठ में आई है। एक था तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, और दूसरा गीत है जो बाल गोविंद भगत के द्वारा गाए जाते थे, वो है गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा का मतलब के मायने, यानी तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा गीत के मायने हम समझने का प्रयास करेंगे। पुराने ज़माने में जब अलमारियां नहीं हुआ करती थी, सेल्फ नहीं हुआ करते थे, लॉकर नहीं हुआ करते थे, तो अपने कीमती चीज वस्तुओं को लोग गठरी में बांध करके सुरक्षित रखते थे। उनको लगता था कि गठरी में जो चीज़ है वह सुरक्षित है, यह गिरेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया, सुरक्षा और संरक्षा के लिहाज से अपने कीमती वस्तुओं को लोग गठरी में बांध करके रखते थे, और चोरों की नज़र भी उन्हीं गठरियों पर हुआ करती थी, उसी गठरी पर हुआ करती थी, क्योंकि चोरों को भी लगता था कि ये गठरी है तो निश्चय ही इसमें कोई ना कोई कीमती वस्तु, कोई ना कोई मतलब की वस्तु इसमें होगी, और चोर हमेशा उस गठरी को चुराने का प्रयास करते थे। तो सीधे तौर पर यदि हम सोचें तो हम ये कहेंगे कि अपनी उसी गठरी को चोरों से बचाने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ इस गीत का एक और मायने है, इसका दूसरा मतलब भी है, और वो है कि जीवन यात्रा में हर व्यक्ति जो है, जीवन यात्रा में आप व्यक्ति नहीं, हर जीव जो है वह मुसाफिर है, और उसको अपनी यात्रा के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर के चलनी होती है। अपनी यात्रा को आराम से करने के लिए, बेहतर ढंग से करने के लिए, उसको अपने ज़रूरत की कुछ चीज़ों को हमेशा अपने साथ लेकर के चलना पड़ता है। अब मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति, सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो इस लिहाज से मानव की, मानव जीवन की जो यात्रा है वह और जीवों की यात्रा से अलग है, और इस जीवन से अंतिम सफर तक की यात्रा में हमारे साथ जो हमारी गठरी होती है वो हमारे अच्छे कर्म हुआ करते हैं, हमारे सद्गुण हुआ करते हैं, हमारे अच्छे आचरण हुआ करते हैं। जीवों के प्रति दिखाई जाने वाली दया, लोगों के प्रति रखा जाने वाला मोह, ममता, प्रेम, सौहार्द आदि की भावना जो है वह हमारी गठरी है। हमारे अंदर अच्छाई हो, हमारे अंदर सत्यवादिता हो, हम धर्मनिष्ठ हों, ये हमारी गठरी है, और अक्सर इस गठरी को चुराने वाले लोग भी हमारे साथ साथ ही यात्रा करते हैं, हमारे साथ ही चलते हैं। तो हमें अपनी उस गठरी को उन चोरों से बचा करके रखना है, उन चोरों से छुपा करके रखना है, उन चोरों की नज़र से बचा करके रखना है, ताकि वो हमारी अच्छाइयाँ, हमारे सद्गुण, हमारे सत्कर्म हमेशा हमारे साथ रहे। और इसके लिए जैसे अपनी गठरी बचाने के लिए मुसाफिर को जगना पड़ता है, वैसे ही अपनी इस गठरी को बचाने के लिए भी हमको जगना पड़ता है। जगने का मतलब है कि हमको सचेत रहना होता है, हमको सचेत रहना होगा, और ये गठरी के चोरों से बचाने, अपनी गठरी को चोरों से बचाने के लिए हमको सचेत रहना। तो बाल गोविंद भगत जो कबीर के इस गीत को गाते थे कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, का मतलब ये हुआ कि मायने ये हुए कि हमको अपने आप को नियंत्रित करके, संतुलित करके अपने जीवन यात्रा को जीना है,
जीवन मार्ग पर चलना है, सत्कर्म करने हैं, और इसके लिए हमको भटकाने वाले लोग, भड़काने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, मिलते रहते हैं, तो उनसे हमको सावधान रहना है।